ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का फॉर्म है, ये मैं ओपन कर रही हूँ। आपने ये फिल करना है, पहले ये चेन्नई में था, अभी ये हरियाणा में है। आप ये फिल करें, इसमें पॉइंट नंबर 9 में आपको रिकमेंडेशन चाहिए। रिकमेंडेशन लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये दोनों लिस्ट आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वेबसाइट पे अवेलेबल है। दूसरा आई कार्ड जो आप अप्लाई कर सकते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का, वो है ये ह्यूमेन सोसाइटी का। यहाँ जाएं, इस वेबसाइट पे क्लिक करें। और गूगल क्रोम में खोलें, इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं। ये देखिए खुल गया, इसे फिल कीजिए और रसीद भेज दीजिए। आप इसमें मालती का नंबर दिया हुआ है, आप उन्हें रसीद भेज दीजिए कि आपने पे कर दिया है, और उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि कितने दिन में आपका आई कार्ड आएगा। 10 से 15 दिन लगते हैं, 25 दिन भी लग सकते हैं। तीसरा है ये एम्पावरिंग हैंड्स वाला, पावा इंडिया का, सलीम सर का। आप इसमें अप्लाई करें, पावा इंडिया प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स का एम्पावरिंग हैंड्स, इसमें अप्लाई करें। कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, अगेन आपको आई कार्ड आएगा, आप उसको लैमिनेट करा सकते हैं। और चौथा है ये PFA, पीपल फॉर एनिमल्स, इस पर क्लिक करें, इस पर अप्लाई करें, रसीद आपको मिल जाएगी, अगेन आपका आई कार्ड आ जाएगा 10 से 15 दिन में बाय कोरियर या बाय ईमेल। तो आई कार्ड होना चाहिए आपके पास, ताकि आप जानवरों के लॉयर बन सके, डॉक्टर बन सके, और ख़ुद को भी बचा सके। वैसे तो आपका संविधान है, आपको राइट देता है कि आप जानवरों की, पेड़ों की, पौधों की, पक्षियों पशुओं की, नेचुरल रिसोर्सेज की सेवा करें, उन्हें बचाएं। कोई आपको तंग करता है तो वो उल्लंघन कर रहा है कानून का, आप नहीं। तो ये जानकारी सबसे पहले आपको होनी चाहिए, और आप डरे नहीं।